Hello everyone, this is Ankit Gore, and uh, I am a quant trainer at Ank Ganit. I am B.Sc. Honours Mathematics, MSc Maths and 3 times All India's Z Topper in, in Quant DI. I am also CAT 99.99% having more than 10 years of work experience. So today we are going to discuss a basic concept of Percentage. Class 7th topic is Percentage. So now we start. Okay, so let's suppose you are frustrated, you are frustrated with your IT job. Clear. You are frustrated with your IT job and uh, you decide to leave your job and go back to your village to do khetibadi. You are frustrated with your IT job, you decide to leave your job and go back to your village to do kheti Badi. So due to availability of a rectangular field, your chachaji.

फील्ड रेक्टेंगल भी हो सकता है रेक्टेंगुलर फील्ड और आई कैन से इधर रखा आपको स्क्वायर फील्ड फील्ड रेक्टेंगल भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है तो योर चाचा जी टोल्ड यू योर चाचा जी टेल्स यू टू इंक्रीज वन ऑफ द साइड योर चाचा जी टेल्स यू टू इंक्रीज वन ऑफ द साइड बाय वन बाई टू उन्होंने बोला बेटा एक साइड को आधे से बढ़ा लो एंड दूसरा साइड को आधे से कम कर लो मतलब ये जो लेंथ वाला पार्ट है ऐसा करो इसको आधे से बढ़ा लो और जो दूसरा वाला साइड है ब्रेथ वाला उसको आधे से कम कर लो और फील्ड आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और आपका स्क्वायर भी हो सकता है मतलब एक साइड को उन्होंने बोला इसको आधा बढ़ा लो और ऐसे आधे से बढ़ा लो एंड सेकेंड वाला साइड को बेसिकली पूरा आधे से डिक्रीज करो तो माय क्वेश्चन इज दैट विल इट बी फाइन वुड यू एग्री विद योर चाचा जी मतलब चाचा जी ने बोला बेटा एक साइड को आधे से बढ़ाओ दूसरा साइड को आधे से कम करो मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब इस वाला साइड को आधे से इंक्रीज कर लो मतलब इस वाला साइड को तुम इंक्रीज करते हुए ले जाओ लेकिन जो दूसरा वाला साइड है उसको तुम अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा लो क्लियर मतलब एक साइड को आधे से बढ़ाओ दूसरा साइड को आधे से कम करो एग्री करोगे नहीं करोगे वुड यू बी एग्री विद योर चाचा जी यस और नो मतलब एक साइड आधे से बढ़ाना है एंड दूसरे वाला साइड मतलब इस साइड को आपने आधे से बढ़ा दिया एंड जो दूसरे वाला साइड है इसको आपने आधे से कम कर दिया अंदर का तरफ एक साइड को बढ़ाया दूसरे को दबाया आधा बढ़ाया आधा दबाया एग्री करोगे या नहीं करोगे चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं दे आर फाइव ऑप्शन फर्स्ट वन मैं वन बाय वन आपको ऑप्शन देता हूं दिस वन। <clears throat> तो फर्स्ट ऑप्शन इज यार मेरे चाचा जी हैं मैं हमेशा एग्री करूंगा वन मोर थिंग यदि एरिया सेम रहेगा तो एग्री करोगे ऑबिस चाचा जी हैं एरिया सेम रहेगा एग्री करोगे यदि एरिया डिफरेंट है तो एग्री नहीं करूंगा तो ऑप्शन चाहे कुछ भी हो मतलब रेक्टेंगल का फील्ड का साइड कुछ भी हो यदि मैं एक साइड को 1/2 से इंक्रीज कर रहा हूं एंड दूसरा वाला साइड को 1/2 से डिक्रीज कर रहा हूं तो मैं हमेशा एग्री करूंगा सेकेंड ऑप्शन इन केस ऑफ स्क्वायर एग्री करूंगा एंड इन केस ऑफ रेक्टेंगल एग्री नहीं करूंगा मतलब स्क्वायर है तो एग्री करूंगा रेक्टेंगल है तो एग्री नहीं करूंगा

यदि एरिया सेम है तो एग्री करना ही पड़ेगा और एरिया सेम नहीं है तो मैं एग्री नहीं करूंगा क्लियर तो मुझे बताओ एक साइड को आधे से बढ़ाया दूसरे साइड को आधे से कम किया आप एग्री करोगे या नहीं करोगे माय ऑप्शंस आर ऑलवेज स्क्वायर वाले केस में यस yes, रेक्टेंगल में नो इधर इट में यस yes, नो no, या फिर मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगा क्लियर सोचो सोचो एंड जो भी आपका आंसर है उसको अपने पेज पर पे लिख लो चलो स्टार्ट करते हैं तो सपोज कोई भी वैल्यू लेते हैं एक बार चेक करके देख लेते हैं भाई सिंपल सा लॉजिक तो ये बोलता है कि यदि गांव के किसी आदमी से बोलो कि भाई एक साइड को आधा बढ़ाया और दूसरा साइड को आधा कम किया तो फील तो यही आ रहा है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एज एन एप्टीट्यूड ट्रेनर मैं आपको बोलूंगा कुछ भी बोलने से पहले एक बार ट्राई कर लो तो आपको पता है कि बेसिकली एरिया इज इक्वल टू क्या होता है यदि मैं एरिया का बात करूं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ ब्रेथ मतलब बेसिकली ऑब्वियसली ये तो सबको पता ही होता है कि एरिया एरिया इज इक्वल टू क्या है लेंथ लेंथ इनटू ब्रेथ इसका मतलब यदि मैं length का कुछ वैल्यू लेता हूं ब्रेथ का कुछ वैल्यू लेता हूं और मैं इसको क्रॉस चेक करके देख लूंगा भाई एक वैल्यू मैंने लेंथ का लिया एक ब्रेथ का लिया क्रॉस चेक करके देख लेते हैं तो से चलो सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं मतलब मैंने एक वैल्यू लिया यहां पर तो बोलता हूं से लेंथ इससे हंड्रेड मतलब जो मेरा फील्ड था उसका लेंथ रखा आपको हंड्रेड और उसके बाद जो मेरा ब्रेथ है वो दे रखा आपको 60 मतलब लेंथ मैंने लिया 100 और ब्रेथ मैंने लिया 60 तो इस केस में एरिया कितना आएगा इस केस में एरिया कितना आएगा यदि मैं एरिया का बात करूं तो इस केस में एरिया कितना हो गया 6000 मतलब लेंथ इज इंक्रीज मतलब लेंथ दे रखा आपको हंड्रेड ब्रेथ दे, दे रखा आपको सिक्सटी तो एरिया कितना आएगा इस केस में सिक्स थाउजेंड अब यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मैं लेंथ को कोई टू से इंक्रीज कर रहा हूं मतलब मैं लेंथ को one by two से increase कर रहा हूं और ब्रेथ को यदि मैं लेंथ को वन बाई टू से इंक्रीज कर रहा हूं तो लेंथ को वन बाई टू से इंक्रीज किया तो बेसिकली लेंथ हो कितना गया दिस वन इज वन फिफ्टी लेंथ को मैंने आधा बढ़ाया तो आधा बढ़ाने का मतलब क्या है लेंथ कितना आएगा वन फिफ्टी एंड ब्रेथ को मैंने आगे से कम किया तो सिक्सटी का हाफ कितना होता है थर्टी तो जब मैं ब्रेथ को हाफ से कम कर रहा हूं तो हाफ से कम करने के बाद वैल्यू कितना आएगा थर्टी अब मुझे बताओ क्या एरिया सेम है मतलब लेंथ को मैंने आधे से बढ़ाया और ब्रेथ को मैंने आधे से कम किया लेंथ को मैंने आधे से बढ़ाया और ब्रेथ को मैंने आधे से कम किया तो वन बाई टू का इंक्रीज किया मैंने वन बाई टू का इंक्रीज किया तो बेसिकली वैल्यू कितना हो गया 150 और ब्रेथ वाले केस में मैंने वन बाई टू का डिक्रीज किया तो वैल्यू कितना आ रहा है थर्टी तो हंड्रेड इंटू कितना है सिक्स थाउजेंड वन फिफ्टी कितना निकल के आएगा फोर्टी अभी आपने देखा यदि मैं लेंथ को आधे से बढ़ा रहा हूं और ब्रेथ को हाफ से कम कर रहा हूं तो एरिया सेम नहीं आ रहा है मतलब यार मैं तो यहां पे बर्बाद हो गया सिक्स थाउजेंड था और एरिया मेरा फोर्टी फाइव हंड्रेड हो गया इसका मतलब क्या है मैं तो इस वाले केस में पूरा बर्बाद हो चुका हूं अब स्क्वायर वाले केस में देखते हैं स्क्वायर वाले केस में भी आपको पता है कि बेसिकली एरिया इज इक्वल टू क्या होता है side, चलो एक वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं तो यहां पे मैंने एक वैल्यू लिया यदि वाले केस में बात करूं मैंने इस केस में एक वैल्यू लिया से 60. मतलब मैंने एक वैल्यू लिया सिक्सटी और मल्टीप्लाइड बाय मैंने दूसरा वैल्यू भी लिया सिक्सटी बेसिकली सिक्सटी 60, 60 तो इस केस में एरिया कितना आएगा? तो इस में कितना 30, मतलब मैंने एक साइड को सिक्सटी लिया और दूसरा भी सिक्सटी लिया तो एरिया कितना आएगा इस केस में थर्टी सिक्स हंड्रेड अभी क्वेश्चन क्या था मतलब एक साइड को वन बाई टू से इनक्रीज करना है एंड दूसरे वाला साइड को वन बाय टू से डिक्रीज करना है यदि मैं सिक्सटी को वन बाई टू से इंक्रीज करता हूं तो ये वैल्यू हो कितना जाएगा 90 और दूसरे वाला साइड को यदि मैंने वन बाई टू से डिक्रीज किया तो ये वाला वैल्यू हो कितना जाएगा थर्टी तो यहाँ पे मैं एरिया वाले पार्ट का बात करूं तो इस केस में एरिया कितना आएगा तो एक पार्ट को थर्टी कर, कर दिया तो इस वाले केस में एरिया कितना आएगा यदि मैं एरिया वाले पार्ट का बात कर रहा हूं तो इस वाले केस में एरिया कितना आएगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड अभी आपने देखा मतलब पहले एरिया था कितना थर्टी सिक्स हंड्रेड और अब एरिया हो कितना गया 2700 मतलब एक पार्ट को वन बाई टू से इंक्रीज किया एंड सेकेंड वाले पार्ट को वन बाई टू से डिक्रीज किया तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने चाचा जी की बात कभी नहीं मानूंगा क्लियर सुनने में अच्छा लगता है कि वन बाई टू कैन क्रीज एक साइड से आधा बढ़ाओ दूसरा से आधा कम करो पर आपने देखा एक साइड से आधा बढ़ाया एंड दूसरा साइड से आधा कम किया तो इस केस में मुझे हमेशा लॉस हो रहा है Clear? अब ये देखते हैं यार एक साइड से हाफ इंक्रीज किया हाफ डिक्रीज किया तो मुझे लॉस हो रहा है तो यदि इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरा वाला साइड को मैं कितने से डिक्रीज करूं तो जो मेरा वैल्यू सेम रहे तो चलो मैं इसको सेकंड वाले साइड को वन बाई टू का बजाय मैं इसको वन बाई थ्री से डिक्रीज करके देखता हूं क्यों आया मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा लेकिन पहले एक बार चेक करके देखो मैं मैं इसको ट्वेंटी से डिक्रीज तो तो कर रहा हूं तो यहाँ पे ये वैल्यू हो कितना जाएगा फोर्टी तो फिफ्टीन इंटू फोर्टी अभी वैल्यू कितना आएगा अभी फोर्टी वाइव हंड्रेड नहीं होगा अभी वैल्यू कितना आएगा इस केस में सिक्स थाउजेंड अभी आपने देखा यदि मैंने एक साइड को वन बाई टू से इंक्रीज किया तो जो सेकंड वाला साइड था मतलब देखो यहाँ पे एक साइड को मैंने वन बाई टू से इंक्रीज किया एंड दूसरे वाला साइड को मैंने वन बाई टू से डिक्रीज किया तो फिफ्टी फोर्टी वैल्यू हुआ कितना रहा वन बाई टू का जो इंक्रीज था और दूसरे वाला साइड को वन बाई थ्री से डिक्रीज किया तो यार एरिया तो मेरा सेम हो गया अब इसमें स्क्वायर वाले केस में देखता हूं यदि मैंने एक साइड को वन बाई टू से इंक्रीज किया तो सिक्सटी का वन बाई थ्री कितना होता है ट्वेंटी अब यदि मैं इसको ट्वेंटी से डिक्रीज कर दू तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा फोर्टी अब फिर से देखो एक बार यार एक साइड को वन बाई टू से इंक्रीज किया तो वैल्यू हो कितना गया नाइनटी दूसरे वाला साइड को मैंने वन बाई टू से डिक्रीज किया तो वैल्यू हो कितना गया फोर्टी एंड नाइनटीन टू फोर्टी का बात करूं तो यार वैल्यू तो मेरा फिर से थर्टी सिक्स हंड्रेड निकल आया इसका मतलब वन बाई टू का इंक्रीज किया है तो जो डिक्रीज है वो वन बाई टू का नहीं कितने का होना चाहिए वन बाई थ्री का तो यहां पे एक समझ में आ रहा है कि परसेंटेज वाला केस में परसेंटेज वाला केस में यदि मैं एक साइड को परसेंटेज वाला केस में यदि मैं एक साइड को वन बाई टू से इंक्रीज कर रहा हूं तो जो सेकंड वाला साइड है वन बाई टू से डिक्रीज नहीं होगा मतलब एक साइड को मैंने वन बाई टू से इंक्रीज किया और सेकेंड वाला साइड को मैंने वन बाई टू से तो इंक्रीज किया और दूसरे वाले साइड को मैंने वन बाई टू से डिक्रीज किया तो ये पूरा गलत होता है क्लियर और कुछ कुछ आपने यहां पे देखा यदि मैं एक साइड को वन बाई टू से इंक्रीज कर रहा हूं यदि मैं एक साइड को वन बाई टू से इंक्रीज कर रहा हूं तो जो सेकेंड वाला साइड है वो वन बाई टू से 1 वन बाई थ्री से डिक्रीज करने पर वैल्यू क्या आ रहा है हमारा कुछ कुछ सेम निकल के आ रहा है ना इसका मतलब मैं एक साइड को वन बाई टू से इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका मतलब एक साइड को मैंने वन बाई टू से इंक्रीज किया तो जो सेकेंड वाला साइड है वो कितने से डिक्रीज हो रहा है वन बाय थ्री से क्लियर

फोर इंटू फाइव तो फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज इक्वल टू कितना वन ट्वेंटी तो फोर इंटू फाइव कितना निकल के आएगा ट्वेंटी क्लियर तो फोर इंटू फाइव कितना है इस केस में? 20. तो ना इन दिस केस अब यदि एक पार्ट को यदि में एक पार्ट को यहां पे वन अपन से इनक्रीज करू मतलब फोर दे रखा है चलो ऐसा करते हैं मैं एक पार्ट को ना फोर है मैंने इस वाले पार्ट को फाइव कर दिया तो प्रीवियस केस में जो हमारा एग्जांपल चल रहा था था वो क्या था? मतलब यदि मैं एक पार्ट को इंक्रीज कर रहा हूं तो जो इक्वल के साइड वाला पार्ट है चाहे वो एरिया हो या कुछ भी हो तो जो इक्वल के साइड वाला पार्ट है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए एज इट इज रहना चाहिए तो इसका मतलब एक पार्ट को यदि मैंने फोर से फाइव किया तो जो सेकंड वाला पार्ट है अभी देखो फोर इंटू फाइव कितना होता है ट्वेंटी अभी मुझे इसको उतना ही रखना है तो ऑब्वियसली यहां पे क्या लिखा होना चाहिए यहां पे फोर लिखा होगा तब जाके मैच करेगा ना इसका मतलब यदि मैं एक पार्ट को वन बाई फोर से बाई फोर से फाइव करने का मतलब क्या है इंक्रीज हुआ कितने का अब एक बार खुद से चेक करो यदि मैं एक पार्ट को फोर से फाइव कर रहा हूं मैं एक पार्ट को फोर से फाइव कर रहा हूं तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो डिक्रीज कितने से होगा मतलब एक पार्ट को मैंने वन बाई फोर से इंक्रीज किया तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो डिक्रीज कितने से होगा दिस वन इज वन बाय 5 से मतलब यदि मैंने एक पार्ट को 1/4 से इंक्रीज किया तो सेकंड वाला पार्ट डिक्रीज हो कितने से रहा है 1/5 से तभी तो आपका इक्वल के साइड वाला पार्ट आपका सेम रहेगा 4 से 5 इन द सेंस एक बढ़ाया 4 से और 5 से 4 का मतलब 1 कम किया 5 से तो यहां से एक बात और समझ में आया कि यदि आपको सेम रखना है तो 1 अपॉन 4 का इंक्रीज मतलब यदि आप एक पार्ट को 1/4 से इंक्रीज कर रहे हो तो जो वाला पार्ट है वो डिक्रीज कितने से होगा वन बाय फाइव से यदि आप एक पार्ट को वन अपॉन फोर से इंक्रीज कर रहे हो तो जो सेकेंड वाला पार्ट है वो डिक्रीज कितने से होगा वन बाय फाइव से क्लियर तो सिंपली वन अपॉन टू के इंक्रीज किसके इक्वल वन बाय थ्री के डिक्रीज तो के इक्वल और वन अपॉन फोर के इंक्रीज किसकेन बाय फाइव के डिक्रीज के इक्वल तो यह सर देख सकते हो और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज आपके सामने एन कोई नंबर दे रखा है अब यदि मैं इस एन को यदि मैं इस एन को वन से इंक्रीज करूं यदि मैं इस एन को वन से इंक्रीज करूं तो बेसिकली वैल्यू हो कितना जाएगा बेसिकली वैल्यू हो कितना जाएगा दिस वन इज एन प्लस तो ऑब्वियसली यदि एक को मैंने वन से इंक्रीज किया तो वैल्यू हो कितना गया एन प्लस वन तो मुझे यहां पे वापस मुझे यदि वापस n पे आना है तो वन का डिक्रीज तो होगा लेकिन n से नहीं एन प्लस वन से तो इसका मतलब यदि मैं इसको बैटर तरीके से देखना चाहूं तो यहां से मैं क्या समझ में आता है This one is one upon n का इंक्रीज मतलब क्या क्लियर हुआ हमारा दिस वन इज वन अपॉन एन का इंक्रीज मतलब एक पार्ट को आपने वन अपॉन एन से इंक्रीज किया तो वन अपॉन एन का इंक्रीज किसके इक्वल आएगा दिस वन इज वन अपॉन एन प्लस वन के डिक्रीज के इक्वल मतलब वन अपॉन एन का increase, को one upon N plus one K, के डिक्रीज के एन प्लस परसेंटेज वाले केस में यदि आप एक पार्ट को वन अपॉन एन से इंक्रीज कर रहे हो तो डिक्रीज कितने का होगा वन अपॉन एन प्लस वन का तो इस कॉन्सेप्ट इस, इस, इस को हम ऐसे देख सकते हैं कि जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब रखा आपको दिस इज़ मतलब एंड पे कुछ भी हो यदि और B, दो numbers को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे बेसिकली कॉन्स्टेंट ही चाहिए मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कांस्टेंट ही चाहिए ये वाला पार्ट चेंज नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब मतलब एक पार्ट को सेकेंड मतलब वाला तो से, पार्ट डिक्रीज तो कितने से होगा वन अपॉन एन प्लस वन से इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी लगा सकते हो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ जैसे लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बेसिकली क्या मिलता है एरिया क्लियर तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा इस केस में एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब क्या होता है एरिया मतलब एरिया उतना ही रखना है चेंज नहीं करना है तो लेंथ और ब्रेथ में से एक पार्ट को मैंने वन अपॉन एन से इंक्रीज किया तो सेकंड वाला पार्ट डिक्रीज कितने से होगा वन अपॉन एन प्लस से वन मोर बेसिक फॉर्मूला S T, मतलब इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस इसका मतलब यदि मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मुझे डिस्टेंस चेंज नहीं करना है एरिया हुआ डिस्टेंस हुआ मुझे डिस्टेंस चेंज नहीं करना है तो स्पीड और टाइम में से यदि मैं एक पार्ट को वन अपॉन एन से इंक्रीज करूंगा तो डिक्रीज कितने का होगा वन अपॉन एन प्लस वन का एंड लास्ट एंड जो परसेंटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वन इज प्राइस इनटू क्वांटिटी इसका मतलब प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी तो बेसिकली प्राइस इंटू क्वांटिटी का मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर तो प्राइस इंटू क्वांटिटी तो बेसिकली इन दिस केस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी का मतलब क्या आएगा एक्सपेंडिचर तो इफ यू नो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू दे रखा आपको एक्सपेंडिचर इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी में यदि आपने एक पार्ट को वन अपॉन एन से इंक्रीज किया तो सेकंड वाला पार्ट डिक्रीज कितने से होगा वन अपॉन एन प्लस वन से मतलब मेरे को एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना उतना ही रखना है तो इसका मतलब प्राइस को यदि आपने इसमें लेंथ हो 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 गया हो गया हो गया स्पीड प्राइस मतलब कोई एक पार्ट चाहे वो लेफ्ट वाला पार्ट हो या right राइट वाला पार्ट हो दिन दोनों में से आपने एक पार्ट को वन अपॉन एन से इंक्रीज किया तो सेकेंड वाला पार्ट डिक्रीज कितने से होगा वन अपॉन एन प्लस वन से वही इक्वल के सेकेंड साइड वाला पार्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए जैसे स्पीड को वन बाई टू से इंक्रीज किया तो टाइम डिक्रीज कितने से होगा 1 by 3 से मैंने क्वांटिटी को वन बाई से इंक्रीज किया तो प्राइस से इंक्रीज किया क्वांटिटी को मैंने वन बाई सेवन से इंक्रीज किया तो जो मेरा प्राइस है वो डिक्रीज कितने से होगा वन बाय एट से क्लियर इसका एप्लीकेशन हम लोग एग्जाम्पल्स में करेंगे थैंक यू तो जैसे गौर ट्रेनर एट अंक गणित एंड मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला थैंक यू